मोहब्बत हराम नहीं होती, लेकिन मोहब्बत का नाम लेकर जो लोग करते हैं वो हराम है। अगर तो मोहब्बत हराम होती तो निकाह के लिए औलाद की मस्जिद जाने का हुक्म ना दिया जाता। लेकिन मोहब्बत भी कुछ असूल रखती है। मोहब्बत ये नहीं कि आप मोहब्बत का नाम लेकर अपने महबूब को बेलिबास कर दें और उसकी इज्जत से खेल जाएं, बल्कि मोहब्बत तो ये है कि महबूब आपके सामने हो और आप में उसे नज़र उठा के देखने की हिम्मत भी ना हो। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। मोहब्बत हया के पर्दे का नाम है, एक ऐसा पर्दा जो आपके दिल में एक शख्स की इज्जत को बढ़ाकर उसे ख़ास कर दे। मोहब्बत ऐसी कि आपकी नज़र हर किसी पर ना ठहर जाए, बल्कि वो एक शख्स ही इंसान के नज़र आने का इंतज़ार करे। मोहब्बत वो है जिस तक पहुंचने के लिए पहले आपको अल्लाह तक पहुंचना पड़े। मोहब्बत एक इल्हाम की तरह है, और इल्हाम ख़ास लोगों को होते हैं। खुद को इल्हाम के काबिल बनाएं। किसी फरिश्ता सिर्फ चाह के लिए ज़रूरी है कि वो खुद भी फरिश्ता सिर्फ लोगों की फरिश्त में शामिल हो जाए और अल्लाह से निकाह की तलब करें। रब तो खुद कहता है कि अमाल का दारो मदार तुम्हारी नियतों पर है। अगर आपके दिल मुखलिस होंगे तो अल्लाह आपको दुनिया और जन्नत दोनों में साथ नसीब करेंगे।